ये है वंडर शेफ का कैसेरोल विथ स्टीमर। स्टीमर भी दिया हुआ है इसमें। 24 सेंटीमीटर में स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। 304 स्टेनलेस स्टील दैट नेवर रस्ट। 25 ईयर्स ऑफ वारंटी। 25 साल की वारंटी है इसकी। सिलिकॉन स्लीव्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बर्न्स। इस लिड के हैंडल में भी सिलिकॉन दिया हुआ है, लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी सिलिकॉन स्लीव्स दिया हुआ है हैंडल्स में, दो साइड में। इंटरनल कैपेसिटी मार्किंग टू मेजर इंग्रेडिएंट्स। अंदर कैसेरोल में मार्किंग दी हुई है कैपेसिटी में, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर एंड अबव। 3-ply SS एल्यूमिनियम SS फॉर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन। 3-ply SS एल्यूमिनियम यूज किया हुआ है जिससे सब इधर से हीट बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होगी। MRP है इसकी 6500, मगर डिस्काउंट भी रहता है और डिस्काउंट वैरी करता है टाइम टू टाइम। हमने यहाँ पर मेंबर प्राइज में लिया हुआ है। कुक हेल्दी एंड टेस्टी फूड इन योर स्टैंटन कैसेरोल विथ स्टीमर मेड विथ एंटी बैक्टेरियल नॉन पोरस स्टील। स्टीम सॉफ्ट इडलीज, मोदक्स, मोमोज एंड टेंडर ढोकलास विथ स्टीमर अटैचमेंट। 3-ply base फॉर क्विक हीटिंग। स्टील एल्यूमिनियम स्टील लेयर्स सेव एनर्जी एंड प्रिवेंट बर्निंग ऑफ फूड। 304 स्टेनलेस स्टील डज नॉट रिएक्ट विथ फूड एंड नेवर रस्ट। एलिजेंट स्टेनलेस स्टील कास्टिंग हैंडल्स एंड सिलिकॉन स्लीव्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्न्स। ईजी टू स्टैक कैसेरोल टू सेव स्पेस इन द किचन। एर्गोनॉमिक हैंडल्स, ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन। रिलायबल वंडरशेफ वारंटी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये जो कैसेरोल है उसमें स्टीमर दिया हुआ है जो कि नॉन पोरस स्टील से बना हुआ है। इसमें हम इडलीज, मोदक्स, मोमोज, ढोकलास, वड़ी सब बना सकते हैं। 3-ply base है इसमें क्विक हीटिंग के लिए। स्टील एल्यूमिनियम स्टील लेयर्स है जिससे एनर्जी सेव होगी और खाना जलेगा भी नहीं। 304 स्टेनलेस स्टील यूज किया हुआ है जिससे खाना रिएक्ट भी नहीं करेगा खाने के साथ और कभी रस्ट भी नहीं करेगा। एलिजेंट स्टेनलेस स्टील कास्टिंग हैंडल्स विथ सिलिकॉन स्लीव्स। हैंडल्स दिए हुए स्टेनलेस स्टील में जिसमें सिलिकॉन लगाया हुआ है जिससे बर्न नहीं होंगे, हाथ चलेंगे नहीं। ईजी टू स्टैक कैसेरोल टू सेव स्पेस इन द किचन। कैसेरोल साफ करने में, मेंटेन करने में भी ईजी है। अब मैं यहां पर इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये स्टीमर के लिए दिया हुआ है। पच्चीस साल की वारंटी है इसकी। इसकी वारंटी के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं। सर्विस रिक्वायर्ड।
यहाँ पर इसकी मार्किंग है। चार लीटर के ऊपर है ये। हैलोजन पे गैस पे यूज कर सकते हैं, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक, इंडक्शन एंड सिरामिक, ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील। इसे जो है हम एज अ कैसेरॉल यूज़ कर सकते हैं, जैसे राइस बॉयल करने हो, बिरयानी बनानी हो, पुलाव बनानी हो, करीज बनानी हो, जो भी ऐसे एज अ कैसेरॉल यूज़ करेंगे। और अगर एज अ स्टीमर यूज़ करने का है तो ये रखेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारी आइटम्स है, जो भी चीज़ें हमारी है, वो इधर स्टीम करने रखेंगे। नीचे पानी रहेगा और यहाँ पर ये यहाँ पर स्टीम करने के लिए चीज़ें रखेंगे और बंद कर देंगे। तो एज अ स्टीमर यूज़ कर सकते हैं इसको, कैसेरॉल विथ स्टीमर है ये। इसमें जो है हम अरबिक मंदी भी बना सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे चिकन और यहाँ पे पानी बॉईल करने रखेंगे। वो चिकन को बंद करके रखेंगे मसाला लगाई हुई, और वो चिकन पकेगी, नीचे पानी में वो चिकन का जो है वो पानी निकल के ऐड होगा, और फिर बाद में चिकन तकरीबन पकने के बाद इसमें हम चावल डालेंगे। थोड़ा हल्का सा पानी ठंडा होने के बाद डालेंगे, यानी चावल नरम नहीं होंगे, और उसमें चावल डालेंगे और यहाँ पे चिकन जो है वो रहेगी, और साथ में चावल पकने तक वो भी पकेगी और मंदी रेडी हो जाएगी। बाद में फिर हम इसमें से चिकन निकाल के रोस्ट करेंगे, यहाँ से बाजू करेंगे और चिकन रोस्ट करेंगे ओवन में या फिर फ्राई पैन में, और उस राइस में जो पक चुके हैं उसमें रेडी होने के बाद उसमें वो चिकन पीसेस लगाएंगे, दम पे रखेंगे 2-5 मिनट तक। इसमें हम वड़ी भी बनाते हैं। एक मेरा जो है पहले से लिया हुआ है जिसमें मैं वड़ी बनाती हूँ, काफ़ी अच्छी जगह दी हुई है वड़ी रखने के लिए भी, एक साथ दो रह जाते हैं या फिर बड़े होंगे तो हाफ ऑफ करके, और अच्छी से वड़ी तैयार हो जाती है इसमें।